नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एंड्रॉयड मोबाइल में एप्लीकेशन का बैकअप कैसे लें। जी हां दोस्तों, अगर हम जो हमारे मोबाइल को रिसेट कर देते हैं और वापस ऑन करते हैं तो हमारे मोबाइल में जितनी भी सारी एप्लीकेशन होती है वो जो है अनइंस्टॉल हो जाती है, मतलब डिलीट हो जाती है, और उसको हमारे को प्ले स्टोर से वापस इंस्टॉल करना पड़ता है इंटरनेट डेटा को यूज़ करके। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप दोस्तों अपने मोबाइल में जितनी भी सारी एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल है उसका जो आप बैकअप बना सकते हैं। और बैकअप लेने के बाद दोस्तों, आप अपने अगर मोबाइल को जो है रिसेट कर देते हैं और वापस ऑन करते हैं तो आप जो उस जितनी भी सारी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जो पहले थी, मतलब इंस्टॉल थी, उसको जो आप एक ही क्लिक में सारी की सारी एप्लीकेशन को बिना इंटरनेट के आप जो है रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं। और घंटी का बटन दबा दें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो के नीचे दोस्तों लाइक का बटन है, उसको भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी मोबाइल में एप्लीकेशन का बैकअप लेने के लिए हमारे को सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और इधर में दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है एप्लीकेशन बैकअप। तो आपको दोस्तों एप्लीकेशन बैकअप लिखकर सर्च कर देना है तो आपके सामने दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आपको दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको जो इसको करना है ओपन, और ओपन पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे दोस्तों एक परमिशन मांगेगा, तो आपको दोस्तों परमिशन दे देना है, और फिर हमारे को क्लिक कर देना है गोट इट पर, और फिर डन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों अब सभी मोबाइल के एप्लीकेशन जो भी होते हैं इंस्टॉल किए हुए वो सब इधर आ चुके हैं। जो भी मेरे फ़ोन में जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल है वह सारा का सारा एप्लीकेशन इधर भी है। तो इधर से दोस्तों आपको जो उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर देना है जिसको आप फ़ोन को रिसेट करने के बाद में दोबारा चाहते हैं एप्लीकेशन को। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे को तो सभी के सभी एप्लीकेशन जो वापस चाहिए, वापस ज़रूरत है, तो आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सारे के सारे एप्लीकेशन जो सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिर आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है बैकअप पर। जैसे ही आप दोस्तों बैकअप पर क्लिक करेंगे तो जो बैकअप हो जाना शुरू हो जाएगा, ये धीरे शुरू हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों 100% होगा तब यह पूरा का पूरा एप्लीकेशन का जो बैकअप हो जाएगा। तो अभी दोस्तों ये जो है बैकअप है जो पूरा हो चुका है और सक्सेस लिखा हुआ आ चुका है। तो अभी दोस्तों हमारे को क्या करना है कि इस बैकअप पर क्लिक करना, बैकअप ऑप्शन पर, और ये लिखा हुआ गया अर्सीव्ड, मतलब कि ये सभी का जो है एप्लीकेशन का बैकअप हो चुका है। और बैकअप लेने के बाद दोस्तों आपको जो इस एप्लीकेशन को कर देना है बंद। हमारे को अब इस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आपको जो है मोबाइल को रिसेट करना है, तो आपको दोस्तों उससे पहले आपको एक और सेटिंग ध्यान में रखनी होगी। आपको जो है फाइल मैनेजर के एप्लीकेशन को ओपन करना है अपने मोबाइल में, और आपको दोस्तों इधर लोकल पर क्लिक करके इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है। मेरे फ़ोन में अभी मेमोरी नहीं है, मैं इंटरनल स्टोरेज ही है फ़ोन में। तो आपको दोस्तों इंटरनल स्टोरेज में ये फोल्डर मिल जाएगा आपको, मूवी यूजेज ऐप बैकअप। तो आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है, और इसमें आपको देखने को मिल जाएगी सारी की सारी मोबाइल की एप्लीकेशन जो कि हमने जो अभी बैकअप लिया है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि इस एप्लीकेशन वाले फोल्डर को सेलेक्ट करके हमारे को दोस्तों मेमोरी कार्ड में लेकर चले जाना है। मेरे फ़ोन में अभी दोस्तों मेमोरी कार्ड है नहीं, इसलिए मैं नहीं ले जा सकता। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो अगर फोल्डर है जो आपके इंटरनल स्टोरेज में है तो आपको दोस्तों मेमोरी कार्ड में लेकर चले जाना है। क्योंकि दोस्तों जब हम फ़ोन को रिसेट करते हैं तो इंटरनल स्टोरेज में, मतलब कि फ़ोन का जो भी स्टोरेज होता है उसमें अगर हमारा जो एप्लीकेशन सेव रहेगा तो वो जो डिलीट हो जाएगा, और सारा का सारा इंटरनल स्टोरेज का जो डेटा डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो इस फोल्डर को याद रख के मेमोरी कार्ड में डाल देना है, और फिर आपको दोस्तों अपना फ़ोन है जो रिसेट कर देना है। मोबाइल को रिसेट करने के बाद में दोस्तों आपको वापस फाइल मैनेजर का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है, और आपके सामने दोस्तों ये वाला फोल्डर मिल जाएगा मेमोरी कार्ड में। तो आपको दोस्तों इस फोल्डर को वापस ओपन कर लेना है, और इस ऐप फोल्डर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने सारी की सारी जो है एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो आपको दोस्तों इधर से सभी एप्लीकेशन को वापस रिस्टोर कर देना है, मतलब कि इंस्टॉल कर देना है। इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी इंटरनेट डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ नई नॉलेज और जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।